तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे को कॉल सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो पहले मैं आपको ऑर्डर में दिखा दूं कि मैंने अभी कोई ऑर्डर लिया नहीं है, तो मैं आपको ऑर्डर लेने के बाद इन्फॉर्म सब कुछ करता हूं। तो मैंने ऑर्डर ले लिया, जैसा कि आपको मैं दिखा दूं, अभी मेरे को 1200 1500 का लॉस चल रहा है, चलते रहते हैं। और आज हमने कॉल सेल किया था, अभी मेरे को लगभग 20,000 रुपये का प्रॉफिट चलने लगा। मार्केट में कुछ ही टाइम हुए हैं, उसके बाद मेरे को तकरीबन 20,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो अभी वेट करेंगे और जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। 20-21 ऐसे ही प्रॉफिट चल रहा है, अभी तकरीबन 30,000 का प्रॉफिट देखिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुझे 34,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट अभी नीचे की ओर ही है और मेरे को तकरीबन 37,000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि 39,000 38,000 का प्रॉफिट चल रहा है मेरे को, और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की ओर ही जा रहा है। और आज हमने कितने लॉट में काम किया है? आज हमने 15 लॉट में काम किया है, तो फाइनली मार्केट 40,000 का प्रॉफिट दे रहा है। फाइनली 42,000 का प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो अभी वेट करेंगे, जैसा वो आपको मैं शेयर करता रहूँगा। 43, 47, और मार्केट लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। जितना ही नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा मेरा प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा। तो अभी हम वेट करेंगे। अभी मार्केट टारगेट से थोड़ा सा ऊपर है, तो अभी फाइनली 55-56 का आसपास का प्रॉफिट मेरे को चल रहा है। तो जैसा होगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट मेरे टारगेट को दे चुका है, तो अब मैं बिना लेट के हुए प्रॉफिट को स्क्वायर अप करूँगा। यहाँ से मैं सिंपली स्क्वायर अप का बटन दबाऊँगा। हेलो गाइस, तो फाइनली मार्केट भी क्लोज हो गया और हमने अपनी सारी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया। मैंने एक पुट सेलिंग में भी एंट्री ली थी, मैं सब कुछ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप मेरा आज का प्रॉफिट देख लो। तो आज हमने टोटल 1,24,500 रुपये का प्रॉफिट बुक किया है, जिसमें से हमने जो कॉल सेल किया था 35,500 का, उसमें तकरीबन 70-72,000 का प्रॉफिट बुक हुआ है। और फिर जो मैंने 35,000 का पुट सेल किया था, उसमें तकरीबन 53-54 रुपये का प्रॉफिट आज हम लोगों ने बुक किया है। तो मैं गाइस एक बार मैं पहले इसे रिफ्रेश कर दूं, ठीक है? तो रिफ्रेश करके आप देख सकते हो कि 1,24,500 का प्रॉफिट बुक हुआ है। जो हमने एडिशनल जो हमने एक्स्ट्रा जो मैंने दोबारा पुट को सेल किया था, मैं उसका टाइमिंग दिखाना चाहूँगा आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो टाइमिंग है 13:21 पर हमने इसको 35,000 के पुट को सेल किया था, ठीक है? जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हो कि 35,000 का पुट लिखा हुआ है। और उसके बाद हम इसको चार्ट में दिखाते हैं कि चार्ट में कहाँ हो रहा था। तो चार्ट में इधर के टाइम कहीं ना कहीं 13:21 हो रहा था, तो इधर के आसपास हमने आज पुट में एंट्री ली थी। तो अब मैं आपको एकदम शुरू से एक्सप्लेन कर देता हूँ अपने ट्रेड को, ठीक है? देखिए आज क्या हुआ, आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है, गैप डाउन ओपन हुआ। और एक अगर आप यहाँ से एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करते हो, तो मार्केट एक ट्रेल लाइन बना रहा था और इसके ऊपर ही मार्केट कहीं ना कहीं चल रहा था। लेकिन फाइनली आज क्या हुआ, आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया, और साथ ही साथ एक ये ब्लू लाइन वाला जो है वो एक सपोर्ट जोन भी था, इसको भी मार्केट ने ब्रेक करके नीचे की तरफ ओपन हुआ है, ठीक है? तो यहाँ से ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो गया और सपोर्ट भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ से क्लियर इंडिकेशन था कि मैं कॉल को सेल करूँगा। अगर मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊं, 5 मिनट के कैंडल पर, तो आपको मार्केट में समझ में आएगा कि मार्केट एक क्लियर क्या हो रहा है, मार्केट क्लियर डाउन साइड जा रहा था, ठीक है? क्यों ऐसा कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है? क्योंकि आप देखिए मार्केट का पहला लो ये, ठीक है? फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, पुल बैक लिया, फिर दूसरा लो, देखो पहले वाले का लो भी ब्रेक कर दिया, फिर देखो फिर ये अपना लोअर लो बनाते हुए जा रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि टारगेट हमने कहीं ना कहीं अपने इधर के आसपास के सेट रखे थे। ये कौन सा एरिया था? ये 35,000 का एरिया था, ठीक है? 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल पर भी राउंड फिगर नंबर है, तो ये सपोर्ट जोन की तरह भी काम कर रहा था मार्केट में। तो पहले क्या हुआ, पहले हम लोगों ने कॉल सेल किया और मार्केट फिर नीचे ही, फिर आप देखो कि मार्केट हालांकि 35,000 के नीचे भी गई है, आज लो कितना कमा रहा था,
34,900 का मार्केट ने लो मारा है। फिर हमने क्या किया, क्योंकि देखिए हमने प्रॉफिट बुक किया क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, ऊपर की तरफ से कॉल सेल किया, नीचे प्रॉफिट बुक किया, क्यों, क्योंकि अब इससे नीचे मार्केट जाने के चांसेस कम बन रहे थे, इसलिए हमने प्रॉफिट बुक किया। अगर मार्केट और नीचे जाता तो जाने के चांसेस बनते तो हम और बड़ा टारगेट रख सकते थे, लेकिन ये क्या था, ये एक सपोर्ट एरिया था। ठीक है, सपोर्ट एरिया पर कहीं ना कहीं हम लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, जिसमें 72,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, और फिर 13:21 यानी कि इधर के आसपास हम लोगों ने फिर से क्या किया, फिर से हम लोगों ने पुट सेल किया 35,000 का। जितने भी लोगों ने मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर रखा है उनको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने पुट क्यों सेल किया। ठीक है, उसके बाद क्या, उसके बाद मार्केट कुछ देर साइडवेज हो गया, और उसके बाद फिर लास्ट का जो आप देख सकते हो, लास्ट का जो तीन कैंडल थे, तीन से चार कैंडल, वो काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया। तकरीबन 500 पॉइंट के आसपास मार्केट ऊपर गया, जिसमें हम लोगों ने कहीं ना कहीं इधर के आसपास ये जो कैंडल थे, ये ग्रीन कैंडल, इस पर हमने अपने प्रॉफिट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें लगभग 50-55 के आसपास का जो भी है प्रॉफिट बुक किया है। गाइस, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में क्या होने वाला है। आप देखो, आप एक लॉजिकल वे में एंट्री लोगे, एक बढ़िया सा सही स्टॉप लॉस लगाओगे, तो आपको लॉस होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोगों को लॉस क्यों होता है, ज़्यादातर आप लोगों को भी हमेशा फेस होता होगा कि आपका व्यू था कॉल सेल करने का, यानी कि आपका भी होता कि मार्केट नीचे जाएगा, आप लोग कॉल सेल करते हो, आप लोग क्या करते हो, आप लोग कॉल सेल करते हो तो मार्केट क्या करता है, मार्केट वहीं से पहले ऊपर जाएगा और आपका एसएल खाता है, एसएल लेने के बाद फिर मार्केट नीचे चला जाता है। तो आप लोग को बाद में रियलाइज होता है कि आपका व्यू तो सही था, मार्केट नीचे ही जाता, आपको कॉल सेल करने का व्यू था, आपने कॉल सेल किया भी, लेकिन वो आपका पहले एसएल ले जाता है फिर आपको टारगेट देता है। क्यों, क्योंकि आप गलत एंट्री लेते हो। परफेक्ट एंट्री आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ले सकते हो, जिससे आपका स्टॉप लॉस छोटा से छोटा होता है, क्योंकि देखिए इसमें आप एकदम क्लियर है कि अगर आपका एसएल ले लिया मार्केट तो आपका व्यू सिंपल सा फेल है, मार्केट फिर उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, फिर रुकना नहीं है। आप लोग देखो, आप लोग परफेक्ट एंट्री नहीं ले पाते हो, जिसके वजह से आपको आपका एसएल चला जाता है और आप अपने लॉस को कंट्रोल भी नहीं कर पाते। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, मैं इधर बीच 15 लॉट में ही काम कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मार्केट करंट सिचुएशन में वोलेटाइल है, तो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी अपनी कम रखी है ताकि किसी भी परिस्थिति में मेरे को बड़ा लॉस ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट का जो सिचुएशन अभी चल रहा है, आप जानते हैं कि मार्केट इस समय वोलेटाइल चला, गैप अप तो गैप डाउन। ठीक है, और एक चीज आपने और नोटिस की होगी कि आज हमने जो कॉल सेल किया था स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने कॉल भी सेल किया है ना, वो थोड़ा सा ओटीएम का सेल किया है, हल्का सा, मतलब एटीएम का नहीं किया था, एटीएम से थोड़ा सा ऊपर ओटीएम का सेल किया है, 35,500 का हमने कॉल सेल किया था। और देखो 13:21 पर मार्केट इधर के आसपास था, तो हम लोगों ने 35,000 का पुट भी सेल किया, क्यों, क्योंकि 35,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं ना कि आप कोर्स में क्या बताओगे, तो यही बताता हूँ कि कैसे आपको परफेक्ट एंट्री लेना है, ताकि तो आप भी टेक्निकल एनालिसिस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मेरे दिए हुए लिंक से अकाउंट ओपन करना है और उसमें एटलीस्ट एक या दो आपको ट्रेड कर लेने हैं, उसके बाद आपको अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लास्ट 4 डिजिट हमें व्हाट्सअप करना है, जिसके बाद आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, ऑप्शन सेलिंग का कोर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही साथ प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा, और अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये फ्री के कोर्सेस ना मिले, तो आपको अगर ज्वाइन करना है तो आप लिमिटेड टाइम के लिए ही है, तो अभी से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एंजल में अकाउंट ओपन करते हैं तो जैसा कि मैं आप देखते होंगे कि मैं काफ़ी ज़्यादा दूर हेज करता हूँ, जैसे 2,000 पॉइंट 3,000 पॉइंट, ताकि मेरा मार्जिन कम लगे। नॉर्मली ब्रोकर आपको इतना ज़्यादा दूर हेज करने नहीं देते, वो ओवाई का रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, लेकिन एंजल वन में आप कोई सा भी स्ट्राइक बाई कर सकते हैं। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप ऑप्शन के फील्ड में नए हैं तो आप ऑप्शन सिंप्लीफाइड कोर्स फ्री है, यूट्यूब पर ही है, ये उसे देख सकते हैं, इसमें हमने बेसिक से सारी चीज़ों को बताया है,
इंटरडे ऑप्शन सेलिंग करना है तो आप येलो प्लेट्स को बात कर सकते हैं, एक्सपायरी डे में काम करना है तो आप येलो प्लेट्स को बात कर सकते हैं, ऑप्शन हेजिंग सीखना है तो आप येलो प्लेट्स को बात कर सकते हैं, और भी कुछ प्लेलिस्ट है जिसे आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं।